आगे बढ़ेंगे। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने फरमान जारी कर दिया था कि पान मसाला धूम्रपान किसी भी सरकारी दफ्तर में निषेध होगा। बकायदा इसको लेकर सरकारी दफ्तरों में अभियान भी चलाया गया, लेकिन सीएम के आदेशों को कृषि भवन में ठेंगा दिखाया जा रहा है। हिंदी खबर के कैमरे में कृषि भवन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें कैद हुई हैं। जिस वक्त इस हॉल में जाम छलकाए जा रहे थे, उस वक्त बगल वाले हॉल में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की समीक्षा बैठक चल रही थी, लेकिन कृषि मंत्री को कानों कान भनक तक नहीं लगी। ऐसे में सवाल यह है कि मंत्री जी की नाक के नीचे जाम किसने छलकाए और सरकार उन लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात काम करके प्रदेश की छवि सुधारने में लगे हैं, तो वहीं सरकार के मंत्री और अधिकारी उनकी मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। मामला लखनऊ के कृषि भवन का है, जहां बिखरी पड़ी शराब की बोतलें, सिगरेट के रैपर और गुटखा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद तमाम सरकारी दफ्तरों को धूम्रपान निषेध बनाया गया था। हम इस वक्त कृषि भवन में मौजूद हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो है आज कृषि भवन में विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उनके कमरे से चंद कदमों की दूरी पर आपको दिखाते हैं कि जो शराब की बोतलें हैं वो किस तरह से यहाँ पर खुली पड़ी हुई हैं। बता दें कि सरकारी भवन है, सरकारी भवनों में तो आमतौर पर पान मसाला खाने पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन बड़ी संख्या में जो शराब की बोतलें हैं वो यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो है वो विभाग की समीक्षा बैठक पिछले कई घंटों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो यहाँ पर किसी तरह की ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जो शराब की बोतलें हैं वो विभाग में खुली पड़ी हुई हैं। आमतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार सरकारी भवनों का जो निरीक्षण है वो कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर पान मसाला जो खा के लोग थूकते हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन जो ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं वो कृषि भवन की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चंद कदमों की दूरी पर विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सरकार के तमाम फरमानों को खुद ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल सत्ता संभालते ही योगी सरकार में सभी सरकारी दफ्तरों को धूम्रपान निषेध बनाया गया था, लेकिन हिंदी खबर के कैमरे में कैद कृषि भवन की ये तस्वीरें उन दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त इस हॉल में जाम छलकाए जा रहे थे, उस वक्त बगल वाले हॉल में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की समीक्षा बैठक चल रही थी, लेकिन जब कृषि मंत्री से इस बाबत सवाल किया गया तो वो कैसे बगले झांकते हुए नजर आए, देखिए। जहाँ पर दारू की तमाम बोतलें पड़ी हुई हैं, तो क्या कृषि विभाग में यहाँ तो सुना आपने, मंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा। बड़ी विचित्र बात है कि जिस बैठक में कृषि मंत्री के साथ साथ कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत मौजूद थे, विभाग के प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव सहकारिता MBS रामी रेड्डी मौजूद थे, लेकिन किसी ने वहां इस कृत्य को नहीं देखा जो उनकी आंखों के नीचे सरकार की छवि पर दाग लगा रहा था। हिंदी खबर पर खबर चलने के बाद सियासी सूरमा भी सरकार पर शब्द भेदी बाण चलाने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ स्वच्छता विभाग में करोड़ों करोड़ रुपए का बजट जारी करती है और दूसरी तरफ मंत्री की मीटिंग के 10 कदम दूरी पर इस प्रकार की बोतलें शराब की पड़ी हुई मिलना इस बात का प्रतीक है कि जो स्वच्छता अभियान का इनका कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से ढकोसला है और सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है, उसका प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। वहीं इस पर सत्ता पक्ष भी बचाव में उतरा, सुनिए कैसे सफाई दी जा रही है। निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार नशा के विरुद्ध है और हमारी सरकार ही जो जिसके समर्थन से वहाँ सब सरकार चल रही है, बिहार में वहाँ तो पूर्ण तरह शराबबंदी है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को कोई और राजनीति करने का रास्ता जब नहीं मिलता तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे राजनीति करती है। ये अलग बात है, कांग्रेस का शराब पे बोलना निश्चित तौर पर उसी तरह है जैसे कोई शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर विपक्ष को घर बैठे सरकार पर बरसने का मौका मिल गया है। ऐसे में देखना होगा कि इन आलोचनाओं से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। वहीं सख्त फैसले लेने में माहिर मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं। उमंग पांडे के साथ वंदना सरोही, लखनऊ, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।